Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Muskan, BSc second year Kanpur University, ये problem differential equation की है. Solve d2 plus 9 y is equal to cos 2 into t. If y at x equal to 0 is equal to 1, y at x equal to pi by 2 is equal to minus 1. ये x equal to 0 पर y की value 1 दे रखी है और x की value pi by 2 है तो y की value minus 1 है. ये वैल्यू इसलिए दे रखी है ताकि जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करें और इसकी जनरल वैल्यू फाइंड करें उसके बाद जो आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे दो, क्योंकि सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो दो आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे तो उनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए दो इक्वेशन बनेंगी और इन वैल्यू का यूज़ करते हुए हम इन इक्वेशन को जब सॉल्व करके C1 मतलब जो भी कांस्टेंट नाम दें उन C1 और C2 का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन को फाइंड कर लेंगे. तो सबसे पहले तो हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखना चाहिए जो डी नोटेशन में लिखा हुआ है. d2 स्क्वायर प्लस 9 y इज इक्वल टू cos 2 इंटू टी. इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसके दो पार्ट में हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, एक कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल. तो अगर हम जैसे इसका पर्टिकुलर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें लिखना पड़ता है द एक्सिलरी इक्वेशन. द एक्सिलरी इक्वेशन इज निकालने के लिए जहाँ d मिले वहाँ पर m कर दिए m स्क्वायर 9 और राइट हैंड साइड में 0 कर दीजिए, जो y का कोएफिशिएंट है उसमें d की जगह पर m कर देते हैं, जहाँ पर भी हो जितनी बार भी, यहाँ तो एक ही बार था. और m की वैल्यू निकालने के लिए ट्रांसपोज कर सकते हैं, माइनस 9 हो जाएगा और m की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो m स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लग जाएगा 9 पर. और इसे इस तरीके से भी हम देख सकते हैं, अंडर रूट माइनस 1 इंटू 9 कर सकते हैं. और अंडर रूट माइनस 1 जो होता है वो आई के इक्वल होता है और स्क्वायर रूट की हमेशा दो वैल्यू होती हैं, प्लस माइनस. तो इस तरीके से प्लस माइनस स्क्वायर रूट को हम इस तरीके से कर देंगे और ये 9 का अंडर रूट तो 3 हो जाएगा और अंडर रूट माइनस 1 को आई लिख सकते हैं. तो हमें एम की जो वैल्यू मिली है वो दो वैल्यू मिलेंगी, एक प्लस में और दूसरे माइनस में. और इमेजिनरी वैल्यू मिली है, प्योर इमेजिनरी है, यानी रियल पार्ट इसमें 0 है, इसलिए प्योर इमेजिनरी इसको बोलेंगे. तो ऐसे में कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोग को लिखने का तरीका ये होता है, पहले C1 लिखेंगे. और यहाँ ध्यान दें कि जो हमारा जैसे अभी हमने x बोल दिया था, सॉरी, तो ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो t है, x नहीं है. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबिलिटी है, मींस यहाँ पर d का मतलब होगा d ओवर dt होगा, यानी सेकंड डेरिवेटिव d2 का मतलब होगा d2 ओवर dt स्क्वायर. यानी हमारा जो वेरिएबल है, जो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है वो तो y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है. तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो इस तरीके से लिखेंगे C1 इंटू कॉस, क्योंकि इमेजिनरी है तो इमेजिनरी प्योर इमेजिनरी को लिखने का तरीका यही होता है, जो भी आई का कोएफिशिएंट है वो यहाँ लिखेंगे और जो हमारा वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको लिखेंगे, प्लस फिर C2 के साथ साइन आएगा, साइन 3t, एंगल वही रहेगा 3t. तो यहाँ से कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा जब प्योर इमेजिनरी होता है, तो ये इस तरीके से लिखा जाता है. आई को कोएफिशिएंट को यहाँ पर एंगल में ले लेते हैं और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको यहाँ पर लिखते हैं और जितने m की वैल्यू है उतने ही हम यहाँ पर C1 C2 लिखते हैं. और ये हमेशा कंजुगेट की फार्म में जो भी आता है कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर कॉन्जुगेट होते हैं, मतलब प्लस भी होगा माइनस भी होगा. तो हमने CF तो निकाल दिया, पहला पार्ट हो गया इसका. अब PI की वैल्यू निकालें, यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल जिसे बोलते हैं. तो 1/ वो होता है जो y का कोएफिशिएंट यहाँ पर लिखा होगा जो d² + 9 है, और राइट हैंड साइड में जो लिखा है उसको यहाँ पर लिखते हैं, यानी cos 2 इंटू टी. अब ध्यान दें cos या sin जब होते हैं तो जब हमें यहाँ पर d² मिलता है, यानी तो इस फार्मूले का यूज़ करते हैं, यानी 1/d² + कुछ भी यहाँ पर लिखा हो नंबर, और मतलब फंक्शन इस तरीके से हो d² की फार्म में हो और यहाँ पर cos ax लिखा हो, तो इसकी वैल्यू इस तरीके से निकालते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की. तो जहाँ पर भी हमको फंक्शन में मिले d² वहाँ पर आप माइनस का x का जो कोएफिशिएंट, यानी हमारा यहाँ पर t है तो t का कोएफिशिएंट देखे जाएगा, यहाँ पर x का जो कोएफिशिएंट है वो लिख देंगे. x का कोएफिशिएंट a है तो a का स्क्वायर, बस ध्यान रखें इसका होल आप स्क्वायर ना कर दें, मीन्स माइनस को बाहर रखना है. तो इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, बस इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा x था, यहाँ पर इस सवाल में t है.
तो उसको ध्यान में रखते हुए टी का कोएफिशिएंट 2 है तो यहाँ पर डी स्क्वायर जहाँ पर मिलेगा वहाँ पर रख देंगे, माइनस बाहर रखेंगे और डी की जगह पर 2 रख देंगे और उसका स्क्वायर भी कर देंगे, बस माइनस को बाहर रख दें, होल आप स्क्वायर कभी ना करें, माइनस प्लस का 9 है, कॉस 2 इंटू टी इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसे ही आ जाएगा और ये माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इस तरीके से 9 प्लस के हैं और 4 माइनस के हैं, इनका डिफरेंस जो होगा वो 5 आ जाएगा, यानी 1/5 ये कॉस 2 इंटू टी आ गया, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, यानी जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं, देयरफॉर हम कह सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि वाई की वैल्यू जो होती है यानी जनरल सॉल्यूशन में कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों को ऐड करने पर मिलती है। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन पहले ही हम लोग निकाल चुके हैं, नोट करते हैं यहाँ पर c1 cos 3t प्लस c2 इंटू साइन 3t और पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू यहाँ पर आई है 1/5 और cos 2 इंटू टी, तो ये वैल्यू तो हम लोगों ने लिख दी। लेकिन अब जो कि सवाल यहाँ पर हमारा कंप्लीट इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमें वैल्यू भी दे रखी है, t बराबर 0 पर y की वैल्यू 1 है और t बराबर पाई बाई 2 पर वैल्यू -1 है, इसका यूज़ करते हुए हमें c1 c2 की वैल्यू निकाल के और यहीं पर जब पुट कर देंगे तभी हमारा आंसर माना जाएगा। तो पहले तो हम पहली कंडीशन ले लेते हैं कि y0 इज इक्वल टू 1 दे रखा है सिंस, तो इसका मतलब ये होगा कि t बराबर 0 पर y की वैल्यू 1 के बराबर है, ये रख देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1 में लेफ्ट y की वैल्यू चूँकि -1 चूँकि y की वैल्यू 1 है, c1 इंटू कॉस और t की जगह पर 0 रखने पर ये पूरा cos 0 हो जाएगा, प्लस c2 इंटू यहाँ पर t की जगह 0 रखने पर 3t भी 0 हो जाएगा, प्लस 1/5 और cos यहाँ पर टी बराबर 0 रखने पर ये 0 हो गया। इस तरीके से कॉस 0 की वैल्यू तो 1 होती है, तो 1 बराबर c1 इंटू 1 और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो 1/5 इंटू 1 हो जाएगा, 1/5 ये 1 में 1 का इंटू होगा 1/5 आ जाएगा, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में पहुँचाएँगे तो 1 में से माइनस हो जाएगा 1/5 और राइट हैंड साइड में सिर्फ c1 बचा, क्योंकि c1 इंटू 1 c1 हो जाएगा और ये c2 इंटू 0 0 हो जाएगा, छोड़ दीजिए 0 को और इनका जब हम एलसीएम लेंगे यानी 5 c1 की वैल्यू आ जाएगी, 5 एलसीएम लेंगे तो 5 का इधर इंटू हो जाएगा, 5 माइनस 1 यानी 4/5 आ जाएगा, c1 की वैल्यू तो आ गई। अब c2 की वैल्यू निकालने के लिए हमको दे रखा है, दूसरी कंडीशन दे रखी थी y की वैल्यू π/2 पर, t बराबर π/2 पर इसकी y की वैल्यू -1 है, ये रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, तो y की वैल्यू रखना है हमको -1 और जहाँ पर भी नज़र आ जाएगा टी वहाँ पर π/2 रखना है इक्वेशन नंबर 1 में, तो c1 था यहाँ पर और cos 3t था, t की यहाँ पर π/2 रखना है और प्लस का c2 इंटू साइन 3 × π/2 और उसके बाद प्लस का है 1/5 इंटू cos 2 इंटू टी, यानी टी की वैल्यू हमें रखना है 1/π/2 रखना है, यस π/2 रखनी है। अब इस वैल्यू को सॉल्व करके हमें c1 c2 की वैल्यू निकालना है, तो c1 तो आ चुकी, c2 यानी निकालना होगी, c1 देखिए यहाँ पर π/2 का अगर ऑड कोएफिशिएंट होता है कॉस में तो इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं 0 के बराबर होती है, वैसे तो ये 270 के बराबर है वैल्यू, 270 की वैल्यू 0, क्योंकि इस वाली लाइन पर यानी ये तो 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है और ये इस वाली लाइन पर कॉस की वैल्यू 0 होती है और साइन की वैल्यू ऊपर +1 होती है, इस यहाँ पर -1 होती है, क्योंकि 270 है ये 3π/2, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 होती है, अपान में 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 19 होती है 27, यानी 270 हो गया ये एंगल 3π/2, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पर आ रही वैल्यू 270, तो ये साइन की वैल्यू यहाँ पर -1 होती है, तो यहाँ पर -1 रख दिया जाएगा, +1/5 और ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, कॉस पाई और कॉस पाई की वैल्यू हम लोग जानते हैं यहाँ पर, तो पाई की वैल्यू इस एंगल पे यहाँ पर कॉस की वैल्यू +1 होती है, इधर कॉस की वैल्यू -1 होती है, यानी यह है 0 और यह है पाई, पाई पर यानी कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, ये याद करना पड़े कौन कॉस एक्स उसकी की वैल्यू -1 होती है, तो -1 ये चल रहा था -1 और ये 0 हो गया, माइनस का ये c2 और माइनस प्लस माइनस इंटू माइनस का 1/5, 1/5 को उधर पहुँचा देंगे तो -1 प्लस का 1/5 हो जाएगा और ये माइनस का c2 है और इसमें एलसीएम ले लेंगे, 5 एलसीएम हो जाएगा, तो -5 प्लस का 1 इज इक्वल टू -c2 और ये बचेगा माइनस का
का डिफरेंस माइनस फोर बचेगा अपन फाइव इज इक्वल टू माइनस सी टू, माइनस माइनस उड़ा दीजिए तो सी टू की वैल्यू भी फोर बाई फाइव आई जितनी सी वन आई की वैल्यू आई थी। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा और इसकी वैल्यू को इन वैल्यूज़ को उठा के इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देंगे, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर वन तो हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन यानी पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाएगा। तो y इज इक्वल टू वहाँ पर सी वन की वैल्यू हमें फोर बाई फाइव रखना थी, फिर उसके बाद में क्या था cos 3t था, फिर इसके बाद यहाँ पर है c2 की वैल्यू भी 4 5 5 ही आई है और sin 3t, और इसके बाद हमें लिखना है प्लस 1/5 cos 2 into t। ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी बाखुदा बाना अलहमदिल्लाहि रब्बिल आलमीन।